हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को आज पता है कि मैं एक बहुत स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ कि आपको अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ और वीडियोस बिना किसी ऐप के, बिना सेकंड स्पेस के, बिना प्राइवेट स्पेस के कैसे हाइड करें। मैं आपको आज एक ऐसी सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान होता है फ़ोटोज़ और वीडियो हाइड करना गैलरी में से। और वैसे तो न्यू फ़ोन्स में ज़्यादातर वो आ रही है, जैसे रेडमी रियलमी वगैरह हो गए, बट मैं अगर जिनमें नहीं है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी है। और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी ट्रिक समझ में आ जाए और आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो चलिए जी हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं दिखाता हूँ आपको अपनी गैलरी में जाकर, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं 6-7 मैंने स्क्रीनशॉट के, अब मैं इन्हें हाइड करके दिखाऊँगा आपको। आपको अपनी फाइल मैनेजर में जाना है, देन आपको जैसे मैं अभी पहले नेम से कर लूँ, आपको ये फोल्डर ढूंढना कहाँ पे ये फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। जैसे मैं ढूंढूंगा शायद पिक्चर्स में होंगे, जस्ट वेट। हाँ ये रहे स्क्रीन शॉट, ठीक। अब जैसे ये रहे सारे फोटोज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो फोल्डर का नेम है ना, जैसे इस पर रीनेम पर क्लिक करना, यहाँ इससे पहले डॉट लगा देना, फुल स्टॉप वाले डॉट डॉट जो होता है। जस्ट वेट, देखिए मैं कट दिखाता हूँ, ये पूरा कट गया गलती से मेरे पे, ओके करते नहीं देना आप, ठीक। ओके करने बाद अब आपको गैलरी खोल के दिखाता हूँ अपनी, जस्ट वेट। ये आप देखिए गैलरी में आए हैं और ये भाग गए, ठीक है। कितनी सिंपल ट्रिक थी। और ये तो और आपको अपनी फाइल मैनेजर में नहीं मिलेंगे, आपको दिखाता हूँ, देखिए आप फाइल मैनेजर में गए, जस्ट वेट। अब मैं आपको जैसे यहाँ पर गया उस पुराने वाले में पिक्चर्स में, अब आपको क्या करना है, शो हिडन पेज का ऑप्शन होता है वो ऑन कर देना है, जिससे कि आपको आपकी फ़ोटोज़ दिख जाएंगे आगे स्क्रीनशॉट वाला, ठीक है। और अगर आपको ऐप से ऐड करना है तो मैं एक बहुत ज़्यादा बेसिक ऐप बताने वाला हूँ आपको। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कि ये होता है फाइल्स बाय गूगल, ठीक। इसमें होता है एक, मतलब आपको सेव फोल्डर होता है इसमें, ठीक है। इससे भी आप इजीली हाइड कर सकते हो, जैसे मैं अभी इन्हें ब्लैक स्क्रीन कर दी क्योंकि दिखाना नहीं चाहते। यहाँ पे इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो, सेव फोल्डर पे टाइप करके। आप इसमें आपको मैं फ़ोटोज़ डालना सिखाता हूँ, इससे डलते नहीं हैं ऐसे। जैसे मैं गया अब अपनी गैलरी में, जैसे फ़ोटोज़ यहाँ से लिए मैंने, ये वाला पिक्स आर्ट वाला, ठीक। मैं जस्ट सेलेक्ट किया मैंने, अभी ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर मूव टू सेव फोल्डर कर देना है, और ये मेरे इसमें पड़ गया, ठीक। मैं आपको जैसे एक बचा, और मैं आपको गैलरी में जाकर दिखाता हूँ, ये फ़ोटो बचा नहीं है, ठीक है। वहाँ पर जब मैं गया गैलरी में, अब यहाँ पिक्स आर्ट पहले 2 थे, अब ये काम आ गया मेरा, अब एक बचा है, ठीक। तो गाइस ये थी हमारी एक छोटी सी ट्रिक, और ये मेरी टेक ट्रिक्स की 3री वीडियो है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी और आपको पता थी या नहीं पता थी पहले से।